अस्सलाम वालेकुम जी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे दोस्त, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, मज़े से हैं? क्या कर रहे हैं जनाब जी? अल्फाज ढूंढ रहे हैं, मिल के लिख रहे हैं। दोस्तों को भी बताया आप लोगों ने कल जो हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था भाई? कल हमने छोटी और बड़ी शक्लों के बारे में पढ़ा था कि भाई किस तरह से हम लफ्ज़ बनाते हैं और लफ्ज़ में आखिर का जो हर्फ होता है वो अपनी बड़ी शक्ल के साथ आता है। और इस तरह से आपने बहुत सारे लफ्ज़ ढूंढ लिए आप लोगों ने। वेरी गुड। तो आपने दोस्तों के साथ भी गेम खेला कि भाई वो कितने लफ्ज़ बनाते हैं, आप कितने लफ्ज़ बनाते हैं, ऐसा गेम किया आपने? नहीं किया तो ऐसा गेम भी खेलिएगा कि भाई दोस्तों से कहें या मम्मा पापा से कहें या बहन भाइयों के साथ खेलें कि भाई आप भी कुछ लफ्ज़ बनाइए और आप भी मिल के लफ्ज़ बनाइए और देखें भाई कौन कितने बहुत सारे लफ्ज़ बना रहा है। और फिर देखें उन लफ्ज़ों में कि किस तरह से सारे हर्फ जो होते हैं वो छोटी शक्ल के साथ होते हैं और आखिर का हर्फ बड़ी शक्ल के साथ मौजूद होता है। ठीक है जी, गेम खेलिएगा आज। लेकिन उससे पहले क्या करना है भाई? हम कर रहे हैं रिवीजन, दोहरा रहे हैं अपना सबक बाब नंबर 4 अनोखा ख्याल। और क्लास 1 की उर्दू की क्लास में हम मौजूद हैं, रिवीजन चल रहा है, अल्फाज साजी की मश्क भी हमने रिवाइज कर ली है। अब कौन सी रिवीजन करें, क्या करें? ग्रामर पढ़ लेते हैं आज, थोड़ा सा ग्रामर पढ़ लेते हैं, बहुत दिन हो गए ग्रामर भी नहीं पढ़ी हम लोगों ने। अच्छा बच्चों, आप ये बताइए कि जहाँ तक हम बात कर रहे थे लफ्ज़ों की, हर्फ की, तो आपको पता है कि हमने पढ़ा था इस्म के बारे में, याद है? इस्म क्या होता है, क्या होता है भाई? इस्म हमने पहले भी पढ़ा है और उसको दोहराया भी है, रिवाइज भी किया था। ये मत कहिएगा कि आप भूल गए हैं। हमने पढ़ा था ना ग्रामर में कि भाई हर चीज़ का एक नाम होता है, जैसे अहमद, हाथी, सूरज, चांद, तारे, चीज़ों के नामों को इस्म कहते हैं। यानी कि किसी भी नाम, चीज़, जगह, जानवर के नाम को हम इस्म कहते हैं। किसी भी चीज़ का नाम हो, किसी भी जगह का नाम हो, किसी भी इंसान का नाम हो या भी किसी भी जानवर का नाम हो, इन सब को हम क्या कहते हैं? हम इन्हें कहते हैं इस्म कहते हैं। ठीक है ना भाई? हमारे पास मौजूद है यहाँ पे सफ़ा नंबर 31 पे ग्रामर की मश, जिसको आज हम कर रहे हैं रिवाइज, रिवीजन कर रहे हैं, दोहरा रहे। इसमें हमें क्या बताया गया है जल्दी से बताइए। जुमलों में आने वाले नामों को दिए गए कॉलमों में लिखें। देखिए हमारे पास ये जुमले मौजूद हैं, आपको याद होगा, मुझे पता है आपने अपनी किताब में अपने सफ़े पे ये काम बिल्कुल कंप्लीट किया हुआ है। लेकिन आपने क्या करना है, अभी सिर्फ यहाँ वीडियो में देखें और फिर बताइए भाई कि आपको कितना आता है। आप मुझे जवाब बताते जाइएगा और फिर अपने आप को खुद भी आप चेक कर लेंगे कि भाई हमें कितना काम सही से याद है, कितना हमें दोबारा से दोहराना है, है ना? हम ये कर सकते हैं, बाद में आप काम कर लीजिएगा, देख लीजिएगा अपनी किताब में, लेकिन अभी देखिए यहाँ वीडियो में और बताइए मुझे इनके जवाब। हमने क्या करना था, इस सफ़े में मौजूद है, इस मश्क में मौजूद हैं कुछ जुमले, उन जुमलों में मौजूद है इसम, यानी कि कुछ नाम मौजूद हैं। हमारे पास इंसान के नाम भी मौजूद हैं, चीज़ों के नाम भी मौजूद हैं, जगह के नाम भी मौजूद हैं और जानवरों के नाम भी मौजूद हैं। हमने जुमलों में से अंडरलाइन करेंगे, हम उनको अंडरलाइन करेंगे नामों को, और नामों को हमने अंडरलाइन करने के बाद क्या किया था, कॉलम में लिखा था कि भाई ये नाम जो है वो इंसान का है, ये नाम चीज़ का है, ये नाम जगह का है और ये नाम जानवर का है। मैं पढ़ती जाती हूँ जुमले और आप मुझे बताइएगा कि इसमें कौन कौन से लफ्ज़ जो हैं वो नाम हैं और किसके नाम हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये ज़ैनब की किताब है, ये ज़ैनब की किताब है। इसमें कितने नाम आ रहे हैं? दो नाम आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक। कौन कौन से? ज़ैनब और किताब। ज़ैनब किसका नाम है? इंसान का, बिल्कुल ठीक। और किताब चीज़ का, हम यहाँ लिख देंगे, हमने लिखा था ना, बिल्कुल ठीक। अच्छा, दूसरे नंबर पे है, ये तो हमने मिसाल पढ़ ली, अब पढ़ते हैं। वो कलम मेरा है, वो कलम मेरा है, वो कलम मेरा है। इसमें कितने लफ्ज़ जो हैं नाम हैं? एक ही है, कौन सा है? कलम। और कलम किसका नाम है? नाम, चीज़, जगह, जानवर, किसका? चीज़ का नाम है। वेरी गुड, कलम जो है वो चीज़ का नाम है, तो हमने कॉलम में लिख दिया चीज़ के, शाबाश। दूसरा है, अहमद को भिंडी पसंद है, अहमद को भिंडी पसंद है। नाम कौन सा है भाई इसमें? दो नाम है, कौन कौन से? अहमद भिंडी, अहमद भिंडी। अहमद किसका नाम है भाई? इंसान का नाम है, शाबाश। और भिंडी
भिंडी चीज का नाम है। वेरी गुड, शाबाश। तीसरे नंबर पे है, सड़क पर एक खरगोश है, सड़क पर एक खरगोश है। अब इसमें कितने नाम है? दो नाम है। कौन कौन से? सड़क और खरगोश। सड़क और खरगोश। सड़क किसी जगह का नाम है या इंसान का नाम है? इंसान का नाम तो नहीं है, जगह का नाम है। जी आप कहाँ खड़े हुए हैं? मैं सड़क पे खड़ा हूँ, यानी कि आपने जगह का नाम बताया ना, सड़क। बिल्कुल, सड़क पर एक खरगोश है। भाई कहाँ है खरगोश? सड़क पर एक खरगोश है। जगह बता दी आपने, सड़क पर एक खरगोश है। तो सड़क आपकी जगह हो गई और खरगोश आपका जानवर हो गया। ठीक है, शाबाश। चौथे नंबर पे है, वो कार काली है, वो कार काली है। कौन कौन से नाम है भाई इसमें? एक नाम है, दो नाम है, नहीं फिर एक नाम है। कौन सा नाम है? कार। और कार किसका नाम है? जानवर का? नहीं, इंसान का। जगह का? नहीं भाई, चीज का। शाबाश, कार चीज का नाम है। बिल्कुल ठीक। साइमा को आलू पसंद नहीं, साइमा को आलू पसंद नहीं। कितने नाम है इस जुमले में? दो नाम है। कौन कौन से? साइमा, आलू। साइमा, आलू। साइमा किसका नाम है भाई? साइमा बिल्कुल इंसान का नाम है। आलू, आलू चीज का नाम है। शाबाश। अच्छा जी, हमारे पास छठा जुमला है, लाहौर शहर बहुत खूबसूरत है। लाहौर शहर बहुत खूबसूरत है। कितने नाम है? दो नाम है। कौन कौन से? लाहौर और शहर। लाहौर और शहर। लाहौर किसका नाम है? जगह का नाम। शहर किसका नाम है? जगह का नाम। बिल्कुल, लाहौर और शहर। ये छतरी किसकी है? सातवां जुमला है हमारा, ये छतरी किसकी है? ये छतरी किसकी है? कितने नाम है इस जुमले में? एक नाम है। कौन सा नाम है? इंसान का, जानवर का, जगह का, किसका? बिल्कुल ठीक, चीज का नाम है भाई छतरी। ये छतरी है तो ये है चीज का नाम। अब आप क्या करेंगे भाई? आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, बहुत से जुमले देखिएगा। आप अपने सबक को दोबारा पढ़िएगा, उस सबक में मौजूद हैं बहुत से जुमले और उन जुमलों में मौजूद हैं नाम। अब आप देखें, बैठें अपने मामा बाबा के साथ, बैठें बहन भाइयों के साथ, बैठें दोस्तों के साथ, बैठें और उन जुमलों में तलाश करें नाम और पूछें एक दूसरे से, भाई ये नाम कौन कौन से हैं? ये नाम इंसान का है, जगह का है, जानवर का है या फिर किसी चीज़ का है? ये गेम खेलें, जुमले निकालें, जुमले निकाल के उसमें नाम ढूंढें, नाम लिखें और अपने टीचर को भी वॉइस नोट भेजेंगे किस तरह से हमने आज ग्रामर की मश की है, इसमें नाम ढूंढने हैं, खुद से भी हमने। कल हम मिलेंगे नए काम के साथ। अल्लाह हाफिज़। We'll be right back.